नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नितेश सिंह आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड घटनाएं आपको अक्सर अपने आसपास देखने और सुनने को मिल जाती होंगी। वो टॉपिक है साइबर क्राइम। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मान लीजिए फ़ोन तो हो लैपटॉप तो हो लेकिन उसमें इंटरनेट ही ना हो, तो बिना इंटरनेट के ये सारी चीज़ें बिल्कुल डब्बा सी लगती हैं। आप लोगों को इंटरनेट के बारे में तो जानकारी होगी, लेकिन साइबर क्राइम क्या होता है इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश दुनिया में बहुत तरह के अलग अलग अपराध होते हैं, उन्हीं में से एक होता है साइबर क्राइम, जो कि फ़ोन और लैपटॉप के माध्यम से किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम आखिर होता क्या है और ये कितनी तरीके से किया जा सकता है। साइबर क्राइम पे मैं एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम से बच कैसे सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे करनी है, उससे बचने के लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो अपनी शिकायत कहाँ और कैसे कर सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं ऐसे ही कानून और मैं संविधान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध एक ऐसा खतरा है जो कि हमारे समाज में बीते कुछ वर्षों से दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसने इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों को अपनी चपेट में लिया है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध होता है जिसमें अपराध को अंजाम देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी कि लैपटॉप या फिर इंटरनेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल में लिया जाता है। साइबर क्राइम्स के माध्यम से किसी इंडिविजुअल पर्सन को या फिर किसी नेशन की सिक्योरिटी को या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साइबर क्राइम्स में कई तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज शामिल हैं, जिसमें आइडेंटिटी फ्रॉड, डाटा थेफ्ट, वायरस अटैक, ऑनलाइन फ्रॉड और चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंक्लूड हैं। इन क्राइम्स को अंजाम देने वाले अपराधियों को साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि आपके साथ साइबर क्राइम कितनी तरह से हो सकते हैं, यानी कि साइबर क्राइम्स की क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, यानी ये कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं ये जान लेते हैं। तो साइबर क्राइम्स को क्राइम के सब्जेक्ट के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ अपराध, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अपराध और तीसरा सोसाइटी के खिलाफ अपराध। अब अगर बात करें पहले तरह के अपराध की यानी कि इंडिविजुअल्स के खिलाफ अपराध की, तो इसमें अपराधी अपराध करने के लिए किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट करता है। इस पार्ट में अनऑथराइज्ड एक्सेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, प्लास्टिक कार्ड फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर स्टैकिंग और हैकिंग, ये सारे अपराध इस पार्ट में आते हैं। तो इन सभी अपराधों के बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में एक एक लाइन में इन सभी को समझ लेते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस वो होता है जिसमें कोई पर्सन किसी कंप्यूटर सिस्टम को या फिर किसी नेटवर्क को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की ऑनलाइन रिसोर्सेज को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करता है, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है। अब अगर बात करें आइडेंटिटी थेफ्ट की, तो कोविड-19 के समय में ये अपराध सबसे ज़्यादा होने वाला अपराध है। इसमें होता क्या है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से किसी पर्सन की पर्सनल डिटेल ले लेते हैं, फिर उस पर्सन के नाम से फेक आईडी बनाते हैं और उसका मिसयूज करते हैं, फिर उस पर्सन के नाम से ही लोगों से पैसे की मांग करते हैं। प्लास्टिक कार्ड फ्रॉड और ऑनलाइन फ्रॉड वे फ्रॉड होते हैं जिसमें आपको तरह तरह की स्कीम बताकर आपको आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के सारी डिटेल ले ली जाती है और आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। अब बात करें साइबर स्टैकिंग की, तो स्टैकिंग का मतलब होता है पीछा करना। जब कोई साइबर क्रिमिनल किसी इंडिविजुअल पर्सन को
इंटरनेट के माध्यम से पीछा करता है, सभी सोशल मीडिया साइट पर पीछा करता है उस पर्सन के अगेंस्ट, बार बार हैरसिंग ईमेल, हैरसिंग मैसेजेस और हैरसिंग फोटोज भेजता है, तो इस तरह के अपराध साइबर स्टैकिंग्स में आते हैं। हैकिंग्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर बात करें दूसरे तरह के अपराध की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अपराध की, तो इसमें अपराधी अपराध करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी संगठन को या किसी कंपनी को टारगेट करते हैं। तो इस तरह के अपराध में डाटा ब्रीच, साइबर टेररिज्म, वेयर डिस्ट्रीब्यूशन और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि डॉस अटैक, इस तरह के अपराध आते हैं। तो आइए इन सभी अपराधों को एक एक लाइन में समझ लेते हैं। डाटा ब्रीच एक तरह का साइबर अटैक होता है जिसमें किसी बिजनेस की प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक अनसिक्योर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि उस बिजनेस और उस बिजनेस से जुड़े उपभोक्ताओं को कई तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो साइबर टेररिज्म होता है वो किसी देश की गवर्नमेंट, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, पावर प्लांट, बैंक और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सब के अगेंस्ट किए जाते हैं। और ये साइबर अटैक डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जाता है। और जो वायरस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की जो कॉपीराइट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका डुप्लीकेट वर्जन बनाकर या उनका पायरेटेड वर्जन बनाकर उसे आधे से भी कम दाम में पब्लिक में रिलीज कर दिया जाता है। और जो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है, डॉस अटैक होता है, वो एक ऐसा साइबर अटैक होता है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर रिसोर्स में या उसके सर्वर में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक या रिक्वेस्ट सेंड की जाती है कि वो कंप्यूटर या फिर सर्वर उसे हैंडल नहीं कर पाता और वो क्रैश हो जाता है। और रिसोर्सेज के क्रैश होने के बाद जो ऑथराइज्ड यूज़र होता है वो सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाता, जिससे कि कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब अगर बात करें तीसरे तरह के अपराध के बारे में, यानी कि सोसाइटी के खिलाफ अपराध के बारे में, तो इस तरह के अपराध में जो साइबर अपराधी होते हैं वे अपराध करने के लिए पूरी एक सोसाइटी को, पूरे समाज को टारगेट करते हैं। इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेलिंग इलीगल आर्टिकल्स, फॉर्जरी, स्पैमिंग, इस तरह के अपराध आते हैं। तो एक लाइन में इसको अगर समझें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब होता है छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करना और उनकी गलत फ़ोटो या वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करना। सेलिंग इलीगल आर्टिकल्स का मतलब होता है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी वेबसाइट पर या किसी ऐप पर बैंड या फिर इलीगल आर्टिकल को बेचना। फॉर्जरी का मतलब होता है कि लोगों को फ्रॉड करने के इंटेंशन से लीगल सर्टिफिकेट, स्टाम्प और करेंसीज की डुप्लीकेट कॉपी बना के यूज़ करना। और अगर स्पैमिंग की बात करें तो आपके पास भी ऐसे बहुत से मेल या मैसेज आते होंगे जिसमें आपको बम्पर ऑफ़र दिया जाता होगा, जैसे कि सस्ता महंगा माल सस्ते में, या फिर आपको पैसा डबल किया जाता होगा। तो ये सब असल में एक तरह का स्कैम ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का विषय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई डाउट है या आप किसी और विषय से जानकारी चाहते हैं तो आप सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं एडवोकेट नितेश सिंह मिलता हूँ ऐसी ही किसी और नॉलेज वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद।